मैक्स होकायमर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थियोरिस्ट हैं थियोडोर अडरनो थियोडोर अडरनो के कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, मिनिमा मोरेलिया नेगेटिव डायलेक्टिक्स और इनके एसेज का एक कंपाइलेशन भी है जिसे कल्चर इंडस्ट्री के नाम से पब्लिश किया गया नाइनटीन में थियोडोर अडर्नो की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या आप कह सकते हैं कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है क्रिटिकल थियोरी फ्रैंकफर्ड स्कूल क्रिटिकल थियोरी में वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री थियोडोर अडरनो सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिकोलॉजिस्ट और कंपोजर भी थे वे म्यूजिक और आर्ट से भी जुड़े हुए थे अडरनो कहते हैं रूलिंग क्लास के लिए एक होमोजेनाइज सोसाइटी को क्रिएट करना सबसे बेस्ट होगा यह रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट होगा एक होमोजनाइज सोसाइटी को क्रिएट करना एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोगों के टेस्ट उनके प्रेफरेंसेस उनके चॉइसेस उनके डिजायर्स उनके आइडियाज सिमिलर होंगे सभी एक जैसे होंगे अगर इस तरह की एक मास सोसाइटी एक होमोजेनाइज सोसाइटी क्रिएट होती है तो सबसे पहले तो इस सोसाइटी में इस होमोजनाइज सोसाइटी में कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा कोई डिविजन नहीं होगा और जब कोई डिविजन

कल्चर इंडस्ट्री में वे सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिन चीज़ों से रोजमर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी रूबरू होता है फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ बुक्स टीवी शोज रेडियो प्रोग्राम म्यूज़िक ये कल्चरल कमोडिटीज़ हैं ये कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इन कल्चरल प्रोडक्ट्स इन कल्चरल कमोडिटीज़ को समाज का हर व्यक्ति कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कंज्यूम करता रहता है इन सभी कल्चरल प्रोडक्ट्स इन सभी कल्चरल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन इनके मार्केटिंग और इनके कंजम्पशन को हम कलेक्टिवली कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं कल्चर इंडस्ट्री के तहत इन कल्चरल प्रोडक्ट्स को दैट मींस मूवीज बुक्स टीवी शोज रेडियो प्रोग्राम म्यूजिक इन कल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है इन्हें मार्केट किया जाता है और इन्हें कंज्यूम किया जाता है तो इन सभी कल्चरल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन मार्केटिंग कंजम्पशन को ही हम कलेक्टिवली कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं तो अगर इस कल्चर इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाए इस कल्चर इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड किया जाए एक पर्टिकुलर तरीके से ऑरियंट किया जाए एक पर्टिकुलर तरीके से मैनिपुलेट किया जाए तो इस कल्चर इंडस्ट्री को यूज करके डेफिनेटली हम एक होमोजनाइज एक स्टैंडर्डाइज सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योडोर अडर्नो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं खासकर जो लेट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं इन लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में कार्ल मार्क्स के प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई क्लास रिवोल्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में क्यों नहीं हुआ अटर्नों के अकॉर्डिंग इसके पीछे रीजन सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस में लाई नहीं करता सोसाइटी में मौजूद जो इकोनॉमिक रिलेशन है इन इकोनॉमिक रिलेशन में लाई नहीं करता बल्कि बल्कि इसके पीछे रीजन सोसाइटी के कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लेवल पर मौजूद है रीजन आपको सोसाइटी के कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स में मिलेगा यहां पर अडर्नो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का जो अप्रोच है वो एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के तहत कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी में जो कुछ भी होता है वो सोसाइटी के बेस के द्वारा तय किया जाता है और सोसाइटी का बेस हमेशा सोसाइटी के इकोनॉमी सोसाइटी में मौजूद इकोनॉमिक रिलेशंस से बनता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बुर्जुआ और पॉलिटेरियट का इकोनॉमिक रिलेशंस है वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच का इकोनॉमिक रिलेशंस है अब क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेशन वर्कर और कैपिटलिस्ट बुर्जुआ और पॉलिटेरियट का ये इकोनॉमिक रिलेशन क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेशन एक्सपोलाइटेटिव होता है इस रिलेशन का नेचर एक्सपोलाइटेटिव होता है तो इस एक्सपोलाइटेटिव इकोनॉमिक रिलेशन को दैट मीनस

अगर आप बेस को बदलते हैं सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस को बदलते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर खुद खुद बदल जाएगा लेकिन मार्क्स के बाद जो थ्योरिस्ट आए जो मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट आए खासकर फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियोरी के ट्रेडिशन में जो थियोरिस्ट आए इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को अंडर किया है कार्ल मार्क्स अपने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए अपने इकोनॉमिक डिटर्मेनिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पर मौजूद आइडियोलॉजी और कल्चर के एलिमेंट को इग्नोर किया है या इन एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत अधिक इंपॉर्टेंस नहीं दिया है लेकिन अगर आप लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखें एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखें और फिर वहां पर इन सोसाइटीज में आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें कि इन लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर अभी तक मार्क्स के प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई क्लास रिवोल्ट कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस में नहीं मिलेगा बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर में मिलेगा और सुपर स्ट्रक्चर में भी जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है जो कल्चरल एलिमेंट है आपको सटीक आंसर यहां मिलेगा थियोडोर अडर्नो के लिए ये आंसर सोसाइटी के कल्चर इंडस्ट्री में लाई करता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कम्युनिस्ट रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें क्यों नजर नहीं आता है इसके पीछे जो रीजन है ये रीजन कल्चर इंडस्ट्री में मौजूद है अडर्नो कहते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री को कंट्रोल करके आइडियोलॉजी को कंट्रोल करके कैपिटलिस्ट क्लास ने एक होमोजेनाइज सोसाइटी को क्रिएट करने में सफलता हासिल की है इस होमोजेनाइज सोसाइटी के मदद से कैपिटलिस्ट क्लास ने जो क्लास डिस्टिंक्शन है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में मौजूद जो क्लास डिस्टिंक्शन है उस क्लास डिस्टिंक्शन को कवर करने में हाइड करने में सफलता हासिल की है लोगों के प्रेफरेंसेस को कल्चर इंडस्ट्री और कल्चरल प्रोडक्ट के माध्यम से इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है उनके चॉइसेस उनके डिजायर्स उनके आइडियाज को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि लोग अपने खुद के डोमिनेशन का एक एजेंट बन चुके हैं लोग डोमिनेटेड है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा लोग डोमिनेटेड है लेकिन उन्हें अपने डोमिनेशन का एहसास नहीं है उन्हें अपना डोमिनेशन अपना ऑपरेशन दिखाई देना बंद हो गया है और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कल्चर इंडस्ट्री के मदद से कल्चर इंडस्ट्री के मदद से कैपिटलिस्ट क्लास रोलिंग क्लास ने एक होमोजनाइज सोसाइटी को क्रिएट किया एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में सभी के व्यूज सभी के आइडियाज, सभी के डिजायर्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस हमें सिमिलर नजर आते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग ओबीडियंट होते हैं लोग गवर्नमेंट को स्टेट को ओबे करते हैं फॉलो करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहां पर इनडायरेक्टली लोगों को डिसिप्लिन किया जाता है लोगों के बिहेवियर उनके एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर तरीके से मोल्ड किया जाता है और एक यूनिफॉर्मिटी सोसाइटी में एक यूनिफॉर्मिटी एक हमेजिनिटी इस्टैब्लिश की जाती है और इसी होमजुनिटी इसी यूनिफॉर्मिटी को यूज करते हुए कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी के ऊपर अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल अपने इनडायरेक्ट डोमिनेशन को स्टैब्लिश करता है और ये इंश्योर करता है कि जो कैपिटलिस्ट मॉडल है जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनमी है जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं वो कंटिन्यू बने रहें सोसाइटी में वो कंटिन्यू बने रहें तो कल्चर इंडस्ट्री के अपने कंसेप्चुअल टूल के माध्यम से थियोडोर अडरनो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इस एनालिसिस को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं